हेलो। हाँ हेलो मैडम, फ्री हो? थोड़ा बात करना था आपसे, करूँ मैं? हाँ, तो बोलिए। आपका नंबर हमको वीएन पांडे ने दिया। हाँ, तो मैं आपको 4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ फेसबुक पे, मैसेंजर पे, तो आपका हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। हाँ, तो आपको भोजपुरी पिक्चर के लिए थोड़ा हमको बात करना था और साइन करना था, उसके बारे में बात करनी थी। हाँ, कहानी अच्छी है, 3 स्टार है, उसमें अविनाश शाही जी हैं, तो आप जैसा बोलो या मिलने का टाइम दो तो मिल लेता हूँ, जैसा बोलो। कौन कौन है, मतलब क्या है क्या नहीं, मतलब ये पिक्चर का टाइटल है, पिक्चर कौन? का टाइटल है दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, और एक यूपी और पंजाब से ज्वाइंट है पिक्चर। यूपी पंजाब की लड़की रहती है और यूपी का लड़का रहता है, लव स्टोरी है सर। अच्छा, हाँ, उसमें 3 एक्टर हैं, अविनाश जी हैं और एक पांडे है और एक है आयुष भट्ट करके, कश्मीर का लड़का है, 3 है। तो जैसा बोलो आप, नहीं तो मतलब मेन लीड में कौन है, मेन मतलब लीड में आप कोई रहोगी, आप रहोगी। और मार्केट का कोई रखे है मेन लीड में? मार्के आपके साथ में प्रियंका, ये अपना महाराज है ना कोई, प्रियंका महाराज, ये भी रहेगी, इससे भी बात चालू है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन मतलब बड़ा मार्केट का हाँ, हीरो बड़ा को। अरे एक्टर, बड़ा एक्टर एक लेना है, बात चालू है, अभी देखो कौन आता है। ये रितेश हीरो जी को ले लीजिए ना। रितेश जी, चलो ठीक है, तुम हमको मिलने का टाइम दीजिए, आप जैसा बोलो वैसा करवाता हूँ। अच्छा, अविनाश को जानती हो आप? शाही, अविनाश शाही? देख के नाम सुनी हूँ, जानती हाँ, हूँ। उसने बहुत पिक्चर की है, हमारी अभी एक पिक्चर रिलीज होने वाली है, तो हमार का कसूरबा, तो छठ के टाइम, छठ पूजा के टाइम पे रिलीज होगी, तो जैसा आप टाइम दो उस टाइम पे आके, मैं मेरी डायरेक्टर है फरीदा करके, उसको लेके आ जाता हूँ, बैठ के बात कर लेता हूँ आपसे। मैं जी, कहाँ से मिलेंगे आप? दादर में रहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप जहाँ, देखिए मेरे कहने का, जहां तक मैं ये कहूंगी कि अगर मूवी बना रहे हैं तो मार्केट का कोई भले एक ही तो हो। लेना है, एक तो लेना है बड़ा हीरो। हाँ, हाँ, मतलब एक एक्टर। हाँ इस समय तो या खेसारी और पवन और दिनेश लाल तो है ही, हाँ तो लेकिन इस समय जोरों तोर से रितेश जी भी चल रहे हैं काफी मूवी में, उनका म्यूजिक अच्छा ज्यादा वो है। चलेगा, बात करता हूँ मैं रितेश से, आपका तो कांटेक्ट होगा ना? तो क्योंकि मेन लीड में मुझे रखेंगे तो मेरी और रितेश जी की जोड़ी, वैसे भी तो आप बता रहे होंगे कि मैं सिंगर हूँ। हाँ सिंगर, हाँ मालूम है, और आपको अविनाश जी भी जानते हैं कि आप एक दिन आप एक नंबर होने वाली हो। आज भी हमारा मीटिंग था गोरेगांव में, अविनाश थे और हमारी फरीदा मैम थी जो डायरेक्टर है हमारी, तो अभी बड़ा एक्टर लेना है तो हमको डायरेक्टर अपना बदली करना पड़ेगा, ये भी बात है। हाँ, वो बात हाँ, नहीं क्यों तो हमारे कहने का मतलब सुनिए, जा रितेश जी पे भी मतलब ऐसा नहीं, फाइनेंस करेंगे तो उनका भी इस समय मार्केट अच्छा चल रहा है, और खेसारी पवन निरहु लेंगे तो कम से कम ये लोग 10 लाख, इन लोग का डिमांड भी तो रहता है, पता है सब कितने में आते हैं, लेकिन इन लोग का मतलब हाई फाई लेवल रहता है, हाँ हाई फाई लेवल है, और और इनका तारीफ भी नहीं मिल इनका पाएगी। नाम हेलो भी है, हेलो, अभिषेका अक्षरा के साथ में आ गए हैं तो इनका नाम भी, नाम का नाम भी है रितेश जी का, और हाँ ये गाना निकला था भांग पे नीतीश जा गौरा, तो बहुत ज्यादा पब्लिक मतलब हमारी जोड़ी को लाइक की, हाँ तो हाँ इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर रितेश जी अगर बोलेंगे ठीक तो। है, बात करूंगा रितेश से भी, क्या उनका अभी कितना डिमांड है उनका, रितेश जी का थोड़ा कम में कराओ। उनका तो शायद 4-4.5 लाख है हाँ, टिकट। थोड़ा कम में कराओ, एक दिन हमको टाइम दो, मैं अपने फरीदा के साथ में आता हूँ, बैठ के बात करता हूँ, मैं भी इलाहाबाद से बिलीव करता हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ। अच्छा, ठाकुर हाँ है? अच्छा हाँ अच्छा नाम अभी मेरा आपके मोबाइल पे आया होगा, हरिजन से सिंह, मैं इलाहाबाद से हूँ, हाँ तो जी, हम लोग मैं शोभन भी ठाकुर। बनारस की हूँ। क्या है कि मैं हमेशा सिंगिंग पे ही ध्यान देती हूँ, मूवी पे तो अभी मैं हाँ ध्यान नहीं दी हूँ। देखो मैडम, क्या अगर आप मिलने के लिए टाइम दोगी ना, देखो पहले एक मिनट। अच्छा है, हर एक चीज अच्छी है मूवी में, तुम जाती तो अच्छा रहता। हाँ नहीं, आज आपके बारे में भी बात हुई, तो ये अपना प्रियंका महाराज का बोले, इनको मत लो आप, चांदनी सिंह को उठाओ, तो इसका मार्केट जल्दी से जल्दी बनेगा। तो मैं बोला ठीक है, तो अभी हम लोग की दूसरी पिक्चर है जो कि हम लोग फॉरेनर को लेके बनाएंगे, फॉरेनर हमको फ्री ऑफ कास्ट में मिला है अमेरिका से,
तो उसका प्रोडक्शन हाउस है खुद का, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, सब कुछ करता है वो। तो वो हमको 15 दिन का डेट दिया है, तो अभी हम लोग लेटर तो उसको दिए हैं, लेकिन वहां से उसको वीजा नहीं मिल रहा है। तो तब तक बोला अभी 2-3 महीना जाएगा, अगर वीजा नहीं मिलेगा तब तक वन शेड्यूल में हमारी एक पिक्चर बन जाएगी। 1-1.5 महीने में अगर आप लोग का तारीख मिल गया हमको ना, तो 1-1.5 महीने के अंदर हमारी पिक्चर ओके हो जाएगी। अच्छा। और अपनी शूटिंग खाली झांसी और 2-4 दिन के लिए पंजाब, बस इतना ही है। हाँ, एक ही शेड्यूल में हमारी डायरेक्टर बहुत मेहनत करती है, फरीदा करके है, तो लेकिन लो लेवल की है। अगर अगर हमको एक्टर मार्केट से उठाना है तो डायरेक्टर हमको बदली करना पड़ेगा, इसके लिए भी हम लोग एग्री हैं। तो मैं फरीदा से बात करके उसको एडजस्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, वो क्या ना, अगर आप लोग मार्केट का एक हीरो भी रखते हैं, हाँ, फिर आप लोग की मतलब जितना हम आप लोग लगाए उतना, हाँ, तो निकल ही जाएगा। अगर माता है आप लोग का मतलब रन के अगर आशीर्वाद हो जाएगा, हाँ, आप लोग का सपोर्ट रहेगा। अभी देखिए ठाकुर आप हो, मैं हूँ, और अविनाश शाही भी जो है वो भी ठाकुर में ही आते हैं। अविनाश जी, अविनाश शाही जी को शायद मैं वो पता नहीं, मुझे जानते हो, मुझे मैं देखती हूँ, लेकिन नाम से शायद नहीं जानते। नहीं, वो आप तो जानते हैं, उन्होंने एडवाइस किया हमको कि अब प्रियंका महाराज की जगह पे आप चांदनी को लो। आज हम लोग का में काफी बार मीटिंग हुआ जिसमें कि आपका नाम तो डिसाइड हुआ। मेरे दिल में तो आज चांदनी से चल रहा है, जो कि आप देखो मैसेंजर में, तो आपको बहुत कोशिश किया हूँ। अभी आप फोटो भी था उसमें भी कमेंट किया, उसमें भी अपना मोबाइल नंबर डाला कि हो सकता है भूल चुके आप, अगर फोन कर ली तो अच्छी बात है। लेकिन आपने कोई रिस्पांस नहीं मिला आपकी तरफ से। मैं पांडे को पकड़ा, बोले पांडे कैसे भी हमको चांदनी से कांटेक्ट करा होते हैं, तो बोले ठीक है। तो अभी नसीब से आज शायद पांडे से भी आपकी बात हुई और हमारी भी तुरंत नंबर दिया, तो मैं आपको भी फोन किया। हाँ, और इसमें 2-4 लड़कियां हमको नया लेना है, जो कभी ऐसा थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो उनको भी लूंगा, तो थोड़ा उनको भी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आप लोग के साथ में। तो आप उनको टाइम कब दे रही हो बताओ? अरे पहले आप हीरो तो फाइनल, पहले देखिए आपको अभी एक हमको मतलब एक अच्छी सिंगर आप मिली हो, एक्टर भी हो सिंगर भी हो, तो पहले आपसे मुलाकात करके फिर आगे किसको साइन करना है, फिर आपके सामने बैठ के डिस्कस करता हूँ ना। आप तो सही है कि हमको मतलब काम करना है, उसमें काम में कम्प्रोमाइज तो करना नहीं है। तो हमको दोनों एक्टर अगर हमको एग्री मिल जाएंगे एक दूसरे से, तो कॉपरेट करके अच्छा काम होगा हमारा। नहीं तो एक बोलेगा इधर काम करो, एक बोलेगा उधर काम करो, तो दोनों के चक्कर में हम लोग परेशान हो जाएंगे, किसको किसको संभालेंगे। समझ रही हो ना आप? हाँ, आप बनारस से कहाँ बिलू करती हूँ मैडम? आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आजमगढ़ के हो? अच्छा, मैं इलाहाबाद से हूँ। तो जैसा आप हमको टाइम एडजस्ट करे बोले, तो उस हिसाब से मैं अपना टाइम एडजस्ट करता हूँ फिर। नहीं नहीं, टाइम वाली देखिए बात नहीं है, पहले आप फाइनल कर लीजिए कि लीड में कौन लड़की रहेगी, लड़का मार्केट का कौन। लीड में तो एक नंबर पे आप रहोगी, इतना हमारी तरफ से तो डिसाइड है। और आपके पीछे रहेगी, समझो अगर प्रियंका महाराज मिल गई तो वो भी आपके पीछे रहेगी, सेकंड या थर्ड रहेगी वो, लेकिन लीड पे आप रहोगी। इतना आज हमारा बात हुआ कि लीड पे इसको मतलब चांदनी सिंह को डालो। ये अविनाश खुद भी बोले हमको कि लीड पे उठाओ इनको, चांदनी सिंह को डालो। हाँ, एक्चुअली क्या एक दो अगर एक मूवी करती हूँ आप लोग यार से, तो ऐसा नहीं हाईलाइट तो ऐसे ही सिंगर में तो हुई हाईलाइट। हाँ, आपका नाम भी है, और दूसरा बात, दूसरी पिक्चर हम लोग तुरंत अनाउंस करेंगे ना, जो फॉरनर है उसको हम लोग भोजपुरी करवा रहे हैं ना, उसको भोजपुरी अच्छा। कल्चर में डालेंगे। उस कहानी भी ऐसी है हमारे पास की बोले मत जबरदस्त, तो जो टीम हमारी इसमें रहेगी वही टीम हम उठा के कैरेक्टर डालेंगे इसमें फॉरनर के साथ। और अभी तक भोजपुरी में कोई फॉरनर लेके पिक्चर नहीं बनाया है। नहीं, हाँ, तो अपना एक्शन ये सब केसरी वगैरह सब देखते रह जाएंगे कि दिमाग कहाँ से आया। फॉरनर में हमें 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, फॉरनर को खाली आने का जाने का और खाने पीने का इतना ही पेमेंट हमको करना है उसको, 1 रुपया वो लेगा नहीं। हमारा संबंध अच्छा है, हमारे दोस्त का है जम्मू कश्मीर में रिसोर्ट है, तो जब वो आता है तो हमारी तरफ से उसको फ्री रहता है 15 दिन 1 महीना। तो इतना कॉपरेट मैं हम लोग करता हूँ उसको, तो वो बोला अरे कभी भी आप करो 15 दिन के अंदर आप शूट करो, तो मैं 15 दिन का अपना 2-4 अपना एक्टर लेके आके आपका पूरा पिक्चर फाइनल करवा दूंगा। तो हम लोग बात की है कि आप भोजपुरी करोगे, धोती कुछ ये सब
भोजपुरी कल्चर आप करोगे? वो क्यों नहीं करेगा, हमको सीखने को मिलेगा। तब हम लोग एग्री हुए तो उसको हम लोग लेटर दिए कि अपना तू वीजा निकाल पहले वहां से आने के लिए, यहाँ पे शूटिंग करना है उसको लेके वहाँ का। नहीं तो देखिए खेसारी पर तो महंगे में आएंगे, रितेश जी मतलब आप बोलेंगे तो बात भी मान जाएंगे क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा बातचीत हम हमारी होती रहती है। हाँ नहीं हाथ पर जोड़ेंगे ना उसको, रितेश को भी हम लोग हाथ पर जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट पिक्चर जो है हमारा फॉरनर का, वो पूरी टीम उठा के उन्हीं के साथ रखूंगा ना मैं, तो दूसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं। इस समय अक्षरा जी इधर आ गई ना रितेश के साथ, तो फिर थोड़ा सा अभी इनका मार्केट थोड़ा हाई लेवल का हो गया, बजट भी कम है। हाँ अभी ढेर सारी मूवी लगातार उनकी चल रही है। अच्छा फेसबुक पे तो देखे ही है। अच्छा अच्छा आगे आपकी मर्जी, तो फिर जैसा होता फिर बता दीजिए, बात बात कर लेते हैं फिर। बात आप पहले अपना टाइम दो, आपसे पहले आमने सामने बैठ के बात कर लूँ, फिर उसके बाद फिर आपके सामने बैठ के फिर रिसर्च के बारे में डिसाइड होगा। अभी यहाँ से कुछ फायदा नहीं, आमने सामने बैठेंगे तो आप हमारा प्रॉब्लम देखोगी, अब मैं आपका प्रॉब्लम देखूंगा, तो उस हिसाब से फिर आगे का बातचीत हो जाएगी। हाँ तो जैसा आप बोलो। हाँ तो ठीक है, मैं कभी मिलते हैं फिर बताइए तो मैं। आप अपना टाइम दो, हमारे पास आपके लिए टाइम है। अभी एक्चुअली 2 तारीख को तो मेरा 1-2 तो लगातार शो है। हाँ तो आप तो बॉम्बे में ही है ना? नहीं नहीं मुंबई में थी एक्चुअली, गांव पे आई थी राखी बांधने भाई लोग को। अच्छा गांव में। हाँ कोई हाँ फोटो देखा था आपका, बराबर राखी का फोटो देखा हूँ मैं, शायद फेसबुक पे डाली हो आप। हाँ हाँ वही 30 तारीख को। हाँ 30 तारीख को फ्लाइट है 12:10 की, मैं 2-3 बजे तक तो पहुँच जाऊंगी, फिर 1-2 शो है। हाँ। तीन को मिलती हूँ, 3 या 4 को फिर। आप मेरा नंबर सेव कर लो, मैं आपका नंबर सेव करता हूँ, तो 3 तारीख फोन किया जी। तो, मैडम अगर फोन करूंगा तो उठा लेना, क्यों हमको पूरा पिक्चर का लोड हमारे ऊपर है, पूरा पिक्चर का रितेश जी को एग्री करवा लीजिए, बाकी सब ओके। एग्री करवाने के लिए आपके मीटिंग के बाद आप ही एग्री कराओगी ना? हाँ हाँ आप जैसे आप मैं बोलूंगी तो मेरी बात दूसरी हो जाएगी ना भाई, तो आप लोग कर आपसे मीटिंग होने के बाद फिर रितेश से हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपसे एडवाइस लेंगे ना पहले। हाँ बाकी सब ऑटोमेटिक कलाकार आ ही जाएंगे। हाँ बाकी सब लो लेवल वाले सब आ जाएंगे, एडजस्टमेंट हो जाएंगे। एक पंजाब को भी पकड़ा हूँ राखी करके, तो वो पंजाबी कल्चर में भी डालूंगा उसको। तो आप 3 तारीख को मैं आपको फोन करता हूँ, या तो आप हमको करो, फिर मिलने का टाइम रखता हूँ। जी 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 नमस्कार, थैंक यू।